नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। गांव ढाणी कस्बों से बड़ी संख्या में लोग गुरु पूर्णिमा पर बालाजी महाराज के आशीर्वाद के साथ साथ गुरु पूजन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। कामखेड़ा श्रीराम सन्नया घाट तीर्थ स्थल, केल खोयरा शिवधाम, खूरी चौराया, पिपलिया चौराया, बंदा जागीर सहित दर्जनों गांव में गुरु पूर्णिमा पर भोजी स्थापना कर पूजन के साथ भंडारे की शुरुआत की गई, जहां भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। राजधानी जयपुर के गिरधारीपुरा में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी का सम्मान किया और सने मिलन कर सभी को मिठाई खिलाकर सर्व समाज और गिरधारीपुरा मस्जिद सदर नगीना हुसैन जी और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी गई। कोटा शहर के विज्ञान नगर इलाके में फ्लाईओवर के नीचे एक श्रमिक युवक के साथ उसके साथियों द्वारा मारपीट करने पर उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार युवक हंसराज रात्रि को काम कर लौटा तो उसके साथ काम करने वाले श्रमिक साथियों ने मारपीट कर उसे फ्लाईओवर के नीचे पटक दिया। घायल को लोगों द्वारा एम्बुलेंस की मदद से एमबीएस अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रियाबड़ी के थावला सीएचसी में लगभग एक माह से 108 एम्बुलेंस सेवा ठप है। एम्बुलेंस खराब होने के कारण घायल मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हो रही है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले लगभग एक महीने से एम्बुलेंस खराब है, जो मोटर गैरेज में खड़ी है, जिससे कई बार घायल रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। हालांकि इस संबंध में पहले भी मीडिया द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावला पिछले कई महीनों से जो 108 एम्बुलेंस सेवा है वो खराब पड़ी है, मोटर गैरेज में खड़ी है गाड़ी। ये थावला कस्बा जो अपने मेड़त और अजमेर नेशनल हाईवे 89 पे स्थित है, तो हाईवे गुजरने के दौरान काफ़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती है। फिर भी अति महत्वपूर्ण लोकेशन पे ये सीएससी केंद्र है, फिर भी 108 एम्बुलेंस सेवा का इस तरह खराब होना और महीनों से खराब होना ये सरकार की स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। सुनने में आ रहा है कि थावला में जो 108 एम्बुलेंस है वो पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ी है, और मुझे लगता है कि जिस एम्बुलेंस को हम जीवनदायी नहीं कहते हैं, अगर वही इस तरह से बंद पड़ी है तो हम मरीजों की पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे लगता है चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारी को इसमें तुरंत ही संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाना चाहिए। कामा कस्बे की अब्बास कॉलोनी के पास जंगलों में एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसके मुंह से झाग निकल रहे थे। गर्मी के मौसम में तेज धूप में अचेत अवस्था में पड़े युवक को देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। जानकारी के अनुसार अज्ञात अवस्था में पड़े युवक के पास लोगों ने एड्रीन की खाली बोतल पड़ी हुई थी। सूचना के बाद कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस को मौके पर बुलाकर अचेत अवस्था में पड़े युवक को कामा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान वेलफेयर सोसाइटी मुंबई के सहयोग से बनारसी मोहन धर्मशाला में सिरोही विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य में आदिवासी क्षेत्र के 68 स्कूलों के छात्र छात्राओं को 22,000 नोटबुक, 5500 वाल पेन और 2100 स्लेटों सहित पिंडवाड़ा के 700 छात्र छात्राओं को निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक संयम लोढ़ा ने अपने संबोधन में कहा कि यह क्षेत्र शिक्षा चिकित्सा में पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में राजस्थान वेलफेयर सोसाइटी का निशुल्क नोटबुक और अन्य सामग्री का वितरण गरीब आदिवासियों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा से ही उन्नति संभव है, जिससे समाज, परिवार और देश का भला हो सकता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।